नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा आज हम तेजस्वी यादव की करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल चुके हैं। समस्तीपुर में उन्होंने RJD के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है और कह रहे हैं जमीनी हकीकत को समझना है, कार्यकर्ताओं से समझना है संगठन के संबंध में और बिहार के संदर्भ। तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष, दो बार नीतीश कुमार के साथ, पूर्व उप मुख्यमंत्री, अब कहेंगे उप मुख्यमंत्री रहे उनके साथ। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार को बदलना होगा और बिहार को हम ही बदलें। लेकिन बिहार को कैसे बदलेंगे, क्या बदलना होगा? देखिए, वे जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आरक्षण बढ़ाया गया, किस तरीके से कोर्ट ने खत्म कर दिया, इसकी बात कर रहे हैं, प्लान रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्लान रुकेगा कैसे? देखिए, प्रशांत किशोर से प्रभावित होते दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर भी वे ही बात कर रहे हैं मुद्दों के साथ जुड़कर कि बिहार को बदलना होगा। तो नीतीश कुमार ने क्या बदला, लालू यादव ने क्या बदला, यह भी बहस और मुबाहिसा में शामिल होता है। लेकिन इससे अधिक एक बड़ी ही राजनीतिक टिप्पणी तेजस्वी यादव ने कर दी है जब कल रात को वे समस्तीपुर के लिए निकल रहे थे कि नीतीश कुमार को हमने दो बार जीवित किया। क्या नीतीश कुमार डेथबेड पर चले गए थे, पॉलिटिकल डेथबेड पर, कि तेजस्वी यादव की कृपा से वे जीवित हो गए थे? यह बहस का बड़ा विषय। और जो हम और आप कह रहे हैं कि चुनाव की ओर बिहार बढ़ रहा है, आज जो संवाद कार्यक्रम होता है JDU कार्यालय में, जहां मंत्रियों को जाना होता है, वहां इस बात के संकेत मिले कि नीतीश कुमार भी बिहार की यात्रा पर निकल सकते हैं और BJP गांव की ओर बढ़ चली है। तो तेजस्वी यादव की आभार यात्रा, हम लोग बार बार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को यात्रा करनी चाहिए, लोगों के साथ संवाद करना चाहिए। हाँ, जो तस्वीरें आई हैं, जो हॉल के भीतर वह संवाद कर रहे हैं, किसी ने हरा गमछा नहीं रखा है, यह बात देखने को मिली। भीतर क्या बात हुई, मीडिया को दूर रखा गया, तेजस्वी क्या समझ रहे हैं और क्या प्लान लेकर आ रहे हैं, यह समझने की बात है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की कृपा से दो बार जीवित हो गए, पैर पकड़े थे, ये तमाम बातें क्या समझ रहे हैं अजीत जी? कैसे बिहार बदलेगा? तेजस्वी यादव बदल सकते हैं, नीतीश कुमार थक गए हैं, प्रशांत किशोर से कोई उम्मीद है नहीं है? देखिए, इसमें 3-4 सवाल है। शुरुआत तो तेजस्वी यादव का जो नीतीश कुमार पर बयान है उसी से करनी चाहिए, चूंकि मुख्य बात अभी की उनकी यात्रा की शुरुआत इसी से हो रही है, इसी बयान से हो रही है। और ये बहुत जानबूझ करके, सोच समझ करके उन्होंने ये बयान दिया है। उनको भी पता था कि इस बयान पर बहस होगी, इसकी चर्चा होगी, तो ये यही असली चर्चा का विषय है। वो एक तो जो यात्रा शुरू कर रहे थे, कार्यकर्ता के साथ संवाद करेंगे, वो हाईलाइट नहीं हो सकती थी, वो हेडलाइन नहीं बन सकती है। आप कुछ ऐसा कहें जिस पर चर्चा हो। बिल्कुल, तो पहला और सिंपल एनालिसिस तो ये है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए कि चर्चा हो जाए, उनकी यात्रा शुरू हो रही है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान जाए, और इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट किया। नीतीश कुमार को इस तरह से टारगेट नहीं कर रहे थे पहले, अभी तक नहीं कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कल किया है या आज हम लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं उसमें सुनाई दे रहा है, वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। दो बातें उन्होंने कही, एक तो कि दो बार जीवित कर दिए नीतीश कुमार को। एक वीडियो हमने देखा, उन्होंने कहा कि दो बार कल्याण कर दिए उनका, और वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, छोड़िए उनकी क्या बात करते हैं, वो आकर के गिड़गिड़ाने लगते हैं और दो बार कल्याण कर दिया हमने। तो नीतीश कुमार का कल्याण लालू यादव और तेजस्वी यादव ने किया, नीतीश कुमार को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जीवित किया, या इसका वाइसे वर्षा है, इसका उल्टा है, नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को पुनर्जीवन दिया? तो किसी भी व्यक्ति से ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि नीतीश कुमार ने पुनर्जीवन दिया राष्ट्रीय जनता दल को, नीतीश कुमार को, और तेजस्वी यादव को तो खैर नया जीवन ही, मतलब उन्होंने ही दिखाया ही, मतलब राजनीति की पहली सीढ़ी पर पैर ही रखा उन्होंने नीतीश कुमार की कृपा से, नीतीश कुमार की के साथ 2015 में। उसके पहले तो वो विधायक नहीं थे या सक्रिय राजनीति में नहीं थे, तो उनको तो पहली सीढ़ी पर पैर रखवाया उन्होंने। और लालू यादव RJD को पुनर्जीवन दिया नीतीश कुमार,
ये 2015 के चुनाव में ये हुआ था। उसके पहले के आंकड़े सबको पता है कि उसके पहले जो 2010 का विधानसभा चुनाव हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल के 22 एमएलए जीते थे, 243 में से 22 एमएलए, सिर्फ 22 एमएलए जीते थे, और पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का दर्जा नहीं हासिल कर पाई थी। उसके लिए भी 24 सीटें चाहिए होती हैं, मतलब 10% सीटें नहीं जीत पाई थी राष्ट्रीय जनता दल 2010 के चुनाव में। और उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ था वो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जब राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली थी, मतलब आपको 10% सीटें मिल गई थी बिहार की 40 में से 4 सीटें जी। तो ये इस स्थिति में आप खड़े थे, और अब आप कहिए कि इस स्थिति से आपने उस व्यक्ति को पुनर्जीवन दिया जिसके पास उस समय 116 विधायक थे। नीतीश कुमार के पास 116 विधायक थे उस समय, और तेजस्वी यादव ऐसी बात कर रहे हैं अभी। लेकिन आप 22 वर्षा की बात कर रहे हैं जी, हम यह भी कह सकते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार हार गए थे, सिर्फ 2 सीटें आई थी, और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी ही छोड़ दी थी। तो हम यह भी कह सकते हैं ना कि 2015 में यदि लालू यादव साथ न होते, प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में सामने आ गए थे, साथ हो गए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ अनबन हो गई थी, यदि लालू न मिले होते तो 2015 में नीतीश कुमार को पुनर्जीवन न प्राप्त होता। नहीं, ये बात आप जो है आप बहुत फारफेच्ड बात कर रहे हैं, या आप बहस को बढ़ाने के लिए एक बात कर रहे हैं ताकि कुछ चर्चा इस पर आगे बढ़े। ये 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, ज्ञानेश्वर जी आप खूब घूमे होंगे चुनाव, हम तो बहुत घूमे थे उस चुनाव में। और हम आपको अपना एक एग्जाम्पल बताते हैं कि हमारे साथ 2-3 और पत्रकार लोग थे दिल्ली के, हम लोग झारखंड से आए थे गोड्डा लोकसभा के लिए, हम लोग गए थे देवघर में थे, निशिकांत दुबे वहां से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, देवघर में एक होटल में रात में 12 बजे हम लोग उनसे मुलाकात हुई। अगले दिन सुबह हम लोग वहां से निकले और गोड्डा होकर के आके हम लोग भागलपुर पहुंचे थे, जहां नरेंद्र मोदी की सभा होनी थी, प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लड़ रहे थे और शाहनवाज हुसैन वहां से उम्मीदवार थे जब वो हारे थे उस समय 10,000 वोट से। तो हम लोगों ने भागलपुर पूरा शहर घूमा, फिर वहां से निकलते हुए मुंगेर गए, फिर मुंगेर से पटना आए, अगले दिन हम लोग पटना से जहानाबाद गए, हम लोग वहां से हाजीपुर गए, मुजफ्फरपुर गए, वैशाली गए। हर जगह इनवेरिएबली कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपवाद नहीं है ज्ञानेश्वर जी, और हर समूह में सड़क पर घर बना करके रहने वाला जो व्यक्ति था वह भी, शहर में बाजारों में जिसकी दुकानें थी वह भी, और जो मध्य वर्ग का व्यक्ति दिखा जो हम लोगों को कई जगह मिले लोग, सबका कहना था, लगभग सबका कहना था 80% का कम से कम, कि इस बार तो लोकसभा में हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, विधानसभा में नीतीश कुमार को वोट दे। अच्छा, हमने उस तरह का माहौल कहीं नहीं देखा, हम बड़े पूरे देश का चुनाव घूम करके देखा है हमने। 80% आदमी, जितने लोगों से हम लोगों की बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, विधानसभा में नीतीश कुमार को वोट देंगे। ये 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जब मई में जब वो चुनाव लड़ रहे थे और जिस अकेले लड़ रहे थे वो बीजेपी से अलग होकर के एक सैद्धांतिक लाइन लिया था नीतीश कुमार ने। तो ये नीतीश कुमार के प्रति सद्भाव बिहार की जनता का था, वो मान रहे थे कि देश बदलने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा किया है, गुजरात मॉडल लागू करने का वादा किया है, तो उनको आजमाना चाहिए। 10 साल जो मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी हुई थी, जो करप्शन के आरोप लगे थे, उसको लेकर के जो गुस्सा था, नाराजगी थी, उसके एवज में लोग, उसके बदले लोग नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए तैयार थे। लेकिन उनके मन में उसी समय था कि विधानसभा चुनाव में तो नीतीश कुमार को ही देंगे, क्योंकि उसने बिहार को बदला है। नरेंद्र मोदी आए भारत को बदलने, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है। और लोग बताते थे कि जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने ठीक किया था, जिस पर 2010 का चुनाव ऐसे मैसिव मैंडेट से जेडीयू और बीजेपी जीती थी, तो वो लोगों के मन में नीतीश कुमार के प्रति सद्भाव उस समय पीक पर था। लोकसभा चुनाव में लोग हरवा रहे थे इसके बावजूद, और उस समय नरेंद्र मोदी की कैसी आंधी थी, कैसी हवा थी, ये तो आप भी जानते ही हैं। आप उस समय 2014 का तो कोई कहने की बात ही नहीं थी। और हम लोगों को क्या अंदाजा हुआ था ज्ञानेश्वर जी, गिरिडीह में थे हम लोग, और वो जो सारनाथ का जो ऊपर, पार्श्वनाथ का जो ऊपर, शिखर जी का समेत शिखर जी का जो चोटी है, जो उस चोटी पर ले जाने वाले जो कहार होते हैं, नीचे बैठे थे एकदम तलहटी में, वो जो लेके जाते हैं, उन लोगों ने जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया, उन लोगों ने कहा कि हम लोग दो नेता जानते हैं, गुरु जी को जानते हैं, शिबू सोरेन को, और नरेंद्र मोदी को जानते हैं। तो एक अंदाजा हो गया था कि एक बहुत मैसिव मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी आने जा रहे हैं 2014 में जी। वो बात उसके बाद हम लोग बाकी बिहार में हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी घूमी वो बता दिया आपको। तो नीतीश कुमार को उस समय बहुत जरूरत नहीं थी, नरेंद्र मोदी के प्रति सद्भाव था, कहीं हमको ये सुनने को नहीं मिला कि हम लालू यादव को दे देंगे 2015।
या लोकसभा में भी हम लालू यादव को दे रहे हैं, आरजेडी को दे रहे हैं, ये भी कोई सुनने को नहीं मिला। जो चार लोग जीत गए थे वो आपको पता है कि उस चार लोग किस जगह से जीत गए थे, ब्लू मंडल जीत गए थे, वो क्या रिएक्शन हुआ था, जिस तरह का बयान उस चुनाव के ठीक पहले गिरिराज सिंह ने जिस तरह का बयान दिया था और उसका असर हुआ भागलपुर में या आप बांका जीत गए, तो वो चार सीटें एकदम आइडेंटिफाइड है जो जीत गए। ब्लू मंडल और जयप्रकाश यादव तो इसलिए कोई उसमें कोई वो ऐसा नहीं था, लोग बोल नहीं रहे थे कि हम आरजेडी को वोट दे रहे हैं अभी 14 में या हम 15 में दे देंगे, 14 में मोदी को दे रहे हैं, 15 में नीतीश कुमार को दे देंगे। तो नीतीश कुमार के प्रति सद्भाव उस समय पीक पर था। नीतीश कुमार को अगर नीतीश कुमार उस समय चाहते तो अकेले भी लड़ते, लालू यादव के साथ लड़के उनको कितनी सीटें मिली थी, 71 सीट मिली थी, 71। अगर अकेले लड़ते हो सकता है कि 100 से ऊपर सीटें उस समय भी आती नीतीश कुमार, जिस तरह का माहौल था 2014 में और 15 में, फिर हम लोगों ने घूमते हुए जो माहौल देखा था 15 में, तो खैर माहौल बदल ही गया था, लेकिन 14 से 15 के बीच जो हम लोगों ने देखा था, मांझी के हटने के बाद जब नीतीश कुमार आए थे जनवरी 2015 में, जब वो शुरू हुआ था उनके उनके वापसी का काम शुरू हुआ था 15 में, वो सब देखा था हम लोगों ने। वो नहीं था ऐसा कुछ कि नीतीश की आरजेडी ने पुनर्जीवन दे दिया नीतीश कुमार, आरजेडी तो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, आरजेडी तो आईसीयू में पड़ी थी 4 MP और 22 MLA के साथ। वो भला हो प्रशांत किशोर का जो ये आइडिया लेकर के आए कि लालू यादव और नीतीश कुमार मिल जाए, वो ये आइडिया भी लेकर के आ सकते थे कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से मिल जाए, बिल्कुल, लेकिन उनकी खटक गई थी, उनके उनका संबंध बिगड़ गया था बीजेपी के लोगों के साथ मई 2014 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उनके संबंध खराब हो गए थे, तो उसको उन्होंने गांठ बांध ली थी, बिहार के हैं, चाणक्य की भूमि से है, चाणक्य के रक्त वंश से आते हैं, तो उन्होंने भी चोटी खोल ली थी कि अब ये चोटी तो तभी बंधेगी जब हम सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो वो सबक सिखाने का पहला मौका उनको मिल रहा था बिहार में, बड़ा मौका मतलब, तो उन्होंने तो वो ये भी कह सकते थे कि भाई अगर उनके संबंध खराब नहीं हुए होते वो आते, ये भी कह सकते थे कि बीजेपी के साथ चलते हैं या अकेले ही चुनाव लड़ाते नीतीश कुमार को, वो आरजेडी के साथ उन्होंने एक अलायंस बनवाया और उसके बाद सबने देखा उसके 20-22 सीट से आरजेडी 80 सीट पहुंच गई, नीतीश कुमार को तो नुकसान हो गया उस समय, नीतीश कुमार तो 116 से घट के 71 सीट पर आ गए, तो ये कौन सा पुनर्जीवन हुआ, ये तो मार डालना हुआ। नीतीश कुमार ने अपनी कीमत पर, अपने अपनी गुडविल की कीमत पर, अपने कामकाज की कीमत पर, 10 साल जो उन्होंने काम किया था उस नाम पर वोट मांगा गया था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है ये कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि बड़े तेजस्वी नेता आ रहे हैं आरजेडी के तरफ से, वो उप मुख्यमंत्री हो या लालू यादव का बड़ा अच्छा राज रहा था, उस नाम पर थोड़े वोट मांगा जा रहा था कि आपने देखिए प्रशांत किशोर रणनीतिकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जितने होर्डिंग्स लगेंगे पोस्टर्स लगेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर लगेगी, दूसरी तस्वीर नहीं लगेगी। और एक बात यह भी है कि बीजेपी वालों ने कभी नहीं भगाया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार खुद भाग गए फिर चले गए, यह उनका फैसला है। और उन्होंने अभी 3 दिनों पहले स्वीकारा भी कि भाई हम तो 1995 से साथ हैं, 2 बार हम गलती कर चुके, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई हमने जीवन ही दिया, कल्याण कर दिया, पुनर्जीवन जीवित कर दिया, उनको गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्या शब्दावली बोल रहे हैं आप, गिड़गिड़ाने लगते हैं तेजस्वी यादव, इतने अभी तक मैच्योर नहीं हुए, उम्र इतनी हो गई उनकी और वो इतने अनुभवी हो गए, 2-2 बार उप मुख्यमंत्री रह लिए, नेता प्रतिपक्ष रह लिए, और अब इस तरह से आप एक बार चाचा कहते हैं उनको, सार्वजनिक रूप से मंच पर पैर छूते हैं और दूसरी बात कह रहे हैं कि वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। और आपको लगता है कि ललन सिंह के बारे में कहा गया, ललन सिंह जिस नेचर और सिग्नेचर के हैं वो गिड़गिड़ाने वाले हैं, बताइए, हम सब आदमी जानते हैं इस बात को, बिहार में सब आदमी जानता है, देश में लोग अब जानने लगे हैं, लेकिन अब आप एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि गिड़गिड़ाने लगे, अब जब हम लोगों ने तस्वीरें क्या देखी हैं, नीतीश कुमार जब जाते हैं लालू यादव के घर पे तो लालू यादव के किस तरह का उत्सव का माहौल होता है, बिल्कुल हमने तो देखा नहीं, बोल पटाखे नहीं फूटते हैं खाली, बाकी सारी तो दिवाली मनती है जब नीतीश कुमार उनके घर जाते हैं और साथ में बैठते हैं और मुंह मीठा कराती है राबड़ी देवी उनकी, और पैर पकड़ने की जो बात है, अब किस सेंस में उन्होंने कहा गिड़गिड़ाने की बात, किस सेंस में कही उन्होंने, हम लोगों ने सार्वजनिक मंच पर तेजस्वी यादव को देखा है पैर छूते हुए नीतीश कुमार का, जी वो नीतीश कुमार के पैर छूते हैं सार्वजनिक मंच से तेजस्वी यादव, अब कोई आदमी उनका समर्थक आ जाएगा कहने कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और इज्जत करते हैं तो मैं पैर छू लेते हैं, तो उस समय क्यों नहीं पैर छूते हैं जब नीतीश कुमार विपक्ष में, जब वो नीतीश कुमार के विरोध में रहते हैं। अजय जी इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, देखिए एक बात तो कही जाती है बिहार के बारे में कि बिहार की राजनीति में फिनोमिना है लालू यादव, तो या तो बिहार की जनता लालू यादव के पक्ष में होती है या लालू यादव के खिलाफ होती है, खिलाफ में नीतीश कुमार चेहरा होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इस फिनोमिना के बने रहते हुए
बगैर नीतीश कुमार की मदद के सरकार बना पाएंगे? क्योंकि आपने देखा कि 2020 में जो वे सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए उसमें भी चिराग पासवान की भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने 38 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया नीतीश कुमार। तो तेजस्वी की असली चुनौती चिराग पासवान अब उधर है, और यदि एनडीए सीमेंटेड रहा, और देखिए प्रशांत किशोर को माने न माने, मैं आज सुबह रोहतास के अखबारों को पढ़ रहा था, सुधाकर सिंह देखिए चुनाव होना है वहां रामगढ़ में, सुधाकर सिंह सांसद बन गए हैं, तो सबसे अधिक चर्चा प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को लेकर हो रही है, राजद की पीड़ा प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को लेकर हो रही है। तो यह चक्रव्यूह जो भी आपने कहा चाणक्य है, सिखा बांध लेते हैं सिखा खोल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में बगैर नीतीश, या फिर हम ये कहें कि आज नीतीश कुमार की इच्छा सच में हो जाए, तो क्या लालू यादव को एक मिनट की देर लगेगी? या फिर हम और सीधा सवाल पूछ लेते हैं कि बिना नीतीश कुमार के क्या तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता हासिल कर लेंगे? देखिए ये हम अभी इस बात को दोहरा रहे हैं, हम अपने ही इसी प्रोग्राम में हमने पहले कहा हुआ है कि तेजस्वी यादव को या आरजेडी को सत्ता तो तभी मिलेगी जब नीतीश कुमार साथ में होंगे, उसके बगैर सत्ता नहीं मिल सकती। एक तो ये बहुत स्पष्ट है, अभी की स्थिति में कम से कम नहीं दिख रही है कि तेजस्वी यादव अपना जो अलायंस है उस अलायंस को लेकर के 122 सीट का आंकड़ा पार कर पाएंगे, जो जादुई आंकड़ा 122 सीट का उसको पार कर पाएंगे, वो नहीं दिख रहा है। ये तो तय है वो नहीं दिख रहा है। पोस्ट पोल इलेक्शन, पोस्ट पोल में अलायंस में ही वो बन सकते हैं तब जब नीतीश कुमार की सदिच्छा होगी। देखिए आरजेडी के हम पहले भी कहे कि एक बांह तो आपकी पहले ही कटी हुई है कि आप बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं, और बीजेपी की एक बांह कटी हुई है कि आरजेडी के साथ नहीं जा सकती है। नीतीश कुमार के दोनों बाजू सलामत है, वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं और आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। जिसके साथ जाएंगे उसकी सत्ता बन, उसकी सरकार बनवा देंगे। हमने पहले भी कहा हुआ है आपको अंतिम पारी खेलनी है, जो मन हो कर ले, उनको कौन सा आप जीवन भर के लिए आगे 20 साल पॉलिटिक्स करनी है। तो हमने पहले भी एक बार और कहा था कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं उधर खुशियां लेकर के जाते हैं, वो सत्ता की चाबी हमेशा उनकी जेब में रहती है, वो उन्हीं से ताले खुलते हैं। तो वो आरजेडी की सत्ता तो तभी मिलेगी जब नीतीश कुमार साथ में होंगे, चाहे प्री पोल अलायंस में हो या पोस्ट पोल अलायंस में आकर के शामिल हो जाए। अब जो आपने दूसरी बात कही कि फिनोमेनन है लालू यादव, तो वो फिनोमेनन भी तभी जब वो उसी फिनोमेनन को, हमको लगता है कि उसी को कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उनको ये समझ में आ गया है कि अब नीतीश कुमार एक दूरी है, और प्रशांत किशोर अपनी लड़ाई नीतीश कुमार से बना रहे हैं। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि कोई आरजेडी से लड़ाई नहीं है हमारी, हमारी लड़ाई एनडीए से है। तो ये बात ठीक है, अपोजिशन की पार्टी से कौन चुनाव लड़ा, अपोजिशन की पार्टी के खिलाफ थोड़े कोई लड़ता है, जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ लोग लड़ते हैं। तो प्रशांत किशोर ने बार बार कहा है कि हमारी एनडीए से लड़ाई है, तो इसी यही कारण है कि तेजस्वी यादव की भी मजबूरी है कि वो कहें कि हमारी एनडीए से लड़ाई है और नीतीश कुमार से लड़ाई है। जब तक आप नीतीश कुमार को अपने पैरेलल नहीं खड़ा करेंगे, अपने को उनके विकल्प के तौर पर नहीं पेश करेंगे, तब तक आप विकल्प नहीं बन सकते हैं। देखिए ये जो बीजेपी माफ करिए कांग्रेस के जो रणनीतिकार लोग हैं, उन लोगों ने निश्चित रूप से कुछ समझाया है आरजेडी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, कि जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी पर अटैक करके राहुल गांधी नेता बने हैं, नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर उनको देखा जाने लगा है, उसी तरह अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनको नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर देखा जाए, तो उनको नीतीश कुमार को अटैक करना होगा। तो उन्होंने अटैक करना शुरू किया है। एक संकेत तो ये भी है, उनका जो बयान है उसका एक संकेत तो ये भी है कि अब इस लोकसभा चुनाव के पहले प्री पोल अलायंस शायद नहीं हो पाए। बिल्कुल, जो ये बात कई लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव, ये जो चार राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे और बीजेपी हारेगी सब जगह और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, झारखंड में भी बनेगी, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बनेगी, जम्मू कश्मीर में भी बनेगी सरकार, तो फिर नीतीश कुमार का मन डोलेगा और नीतीश कुमार फिर वापस जा सकते हैं आरजेडी के साथ, ये कह रहे थे लोग कई लोग। ये इसकी संभावना अब लगता है कम हो रही है, तभी आरजेडी की तरफ से इतना बड़ा अटैक नीतीश कुमार पर किया गया है ऐसी शब्दावली में जिसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। तो ये एक उस फिनोमेनन को, उनको पता है कि लालू यादव तो एक धुरी है और वो किसी भी समय वो 30-32% वोट के साथ उनकी पार्टी बैठी हुई है, तो अब अटैक करते हैं नीतीश कुमार को। और जो सत्ता विरोधी वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ, डबल एंटी इनकम्बेंसी, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ डबल एंटी इनकम्बेंसी होती है और ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर विधायक और एमपी भी और विधायक और मंत्री भी और तमाम वही लोग हैं जो कई कई बार से जीत रहे हैं। तो उस
उसको उसका फायदा लिया जा सके। जो सत्ता विरोधी वोट है वो आरजेडी की तरफ आए, ये तो तभी आएगा जब आरजेडी जेडीयू को अटैक करे, खाली बीजेपी को अटैक करने से तो होगा नहीं। तो वो एक एक ये स्ट्रेटजी हमको दिख रही है, दो स्ट्रेटजी साफ है। पहली तो ये कि मतलब पहले दिन, यात्रा के पहले दिन बिग बैंग हो, कुछ चर्चा हो और यात्रा पर फोकस बने, यात्रा पर निकलने के पहले कुछ विवादित बयान दिया जाए, जो एक बहुत ही मतलब जेनेरिक सा रणनीति है। और दूसरा ये कि नीतीश कुमार को अटैक किया करना है ताकि सत्ता विरोधी वोट का दावेदार आरजेडी बने। आप देखिएगा प्रशांत किशोर भी बार बार नीतीश कुमार की सरकार को ही अटैक कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, तो वो ले जाए सत्ता विरोधी वोट, तो आरजेडी को सत्ता विरोधी वोट मिले। अब इसकी लड़ाई हो गई, अब ये अपने को सत्ता विरोधी वोट का पहला दावेदार बनाने के लिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अटैक करेंगे, सरकार को अटैक करेंगे, उसका माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। और उसी लाइन पर प्रशांत किशोर की राजनीति भी है, तो अब दोनों की लाइन कटेगी, दोनों का एक किसी न किसी बिंदु पर टकराव उन दोनों का भी शुरू होगा। तो अजय जी देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बात और कही, नया बिहार बनाना है। देखिए कुछ दिनों पहले इसी चर्चा में आप कह रहे थे कि जब पानी ठहर जाता है, जम जाता है, तो वह काई बन जाता है, तो नए बिहार की बात होने लगी। मैंने कल रात में पटना के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर को फोन किया था, एक मरीज को दिखाना था, पैरवी करनी थी, महीने भर की क्यू रहती है उनके, महीने भर के बाद नंबर आता है। डॉक्टर साहब से बातचीत होने लगी, उन्होंने पूछा क्या हुआ ज्ञानेश्वर जी, क्या ऐसे ही चलता रहेगा जो आप कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी की बात। हम निराशा देख रहे थे, वे गुस्से में नहीं थे लेकिन भविष्य को लेकर निराश थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यदि कुछ बदलाव नहीं हुआ तो पलायन और बढ़ जाएगा। अभी तो मजदूर जा रहे हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं, जो बचे खुचे टैलेंट हैं वह भी जाने लगेंगे। और उनकी स्पष्ट भविष्यवाणी थी कि 2025 के बाद किसकी सरकार बनेगी तो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी का क्या हाल होगा, कीमत ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो ये चिंता भी तेजस्वी कह रहे हैं नया बिहार बनाना है। और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, एलिट क्लास है, देखिए इकोसिस्टम को डेवलप तो वही करता है, बहस को तो सामने वही लाता है, तो उनकी चिंता भी एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ यह चिंता। तो तेजस्वी नया बिहार कैसा बनाएंगे, प्रशांत किशोर नया बिहार कैसा बनाएंगे, और क्या नीतीश कुमार में अब इतना बचा है कि वह कुछ और कर पाएंगे? देखिए, नया बिहार बनाना भी एक बड़ा कैची सा स्लोगन होता है, ये सब आदमी आप जानते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ न्यू इंडिया नाम से अपनी स्कीम शुरू की ही थी, न्यू इंडिया से वो भी तो न्यू इंडिया बना ही रहे हैं। और अमेरिका का तो पूरा चुनाव हम लोगों ने देखा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा है अभी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो MAGA उसको कहते हैं बजावता, उसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला एक पूरा इकोसिस्टम बना है, पूरा करोड़ों लोग उसमें शामिल है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। ऐसे ही रूस को महान बनाने का, उसको फिर से रूस की महानता लौटाने के लिए अभी 24 साल से बैठे हुए हैं पुतिन राष्ट्रपति बन के। तो ये एक बड़ा भावनात्मक सा एक नारा होता है कि आप, हम नया बिहार बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, री इन्वेंट करने की बात होती है। हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन में लगातार कई वर्षों तक, कई दशक, एक डेढ़ दो दशक तक जब मार्गरेट थैचर और जॉन मेजर की सरकार रही थी, तो न्यू लेबर करके टोनी ब्लेयर ने अपनी पार्टी को री इन्वेंट किया, न्यू लेबर उन्होंने नारा दिया। तो ये हमेशा एक भावनात्मक मुद्दा होता है, लोगों को जगाने के लिए भी और लोगों को ये मैसेज देने के लिए अपने बारे में कि हम नए हो गए। देखिए ये जो उन्होंने कहा कि नया बिहार बनाएंगे, तो उसमें ये अंतर्निहित है कि नई आरजेडी है। बिल्कुल, ये उनके लिए बड़ा बड़ा मैसेज बनवाना है उनको, बिहार के प्रदेश के लोगों में, कि ये वो वाली आरजेडी नहीं है, लालू यादव वाली आरजेडी नहीं है, ये नई आरजेडी है जिसके नेता तेजस्वी यादव है, और ये जो नया राजद है ये नया बिहार बनाएगा। तो नया बिहार आप कह रहे हैं, तो उसमें ये अंतर्निहित है कि राजद नई आरजेडी है। तो ये एक आपने कह दिया ये जुमला, लेकिन ये जुमला अपने आप में लोगों को हिट नहीं कर जाएगा, लोग इसके असर में आके बह नहीं जाएंगे कि आप कह रहे हैं कि आप नया बिहार बनाएंगे। आपको नए बिहार का एक रोडमैप पेश करना, बिल्कुल, आप किस तरह से नया बिहार बनाएंगे, जो अभी 20 साल नीतीश कुमार का राज है, 2005 से जो उनका राज शुरू हुआ है, उस राज से भी अलग होगा, और उसके पहले 15 साल जो लालू यादव राबड़ी देवी का राज था उससे भी अलग होगा।
तो ये 35 साल में जो दो डिस्पेंशन हम लोगों ने देखे, एक आरजेडी का मॉडल, एक जेडीयू बीजेपी का मॉडल, एनडीए का मॉडल, उससे कैसे अलग होगा नई आरजेडी का मॉडल जिससे नया बिहार बने। जब तक वो आप एकदम बिल्कुल ठोस, ऑब्जेक्टिव और बहुत तार्किक नहीं होगा, बहुत रैशनल नहीं होगा, तब तक लोग यकीन नहीं करेंगे आपके नारे पर। सिर्फ नारे से अब काम नहीं चलता है, और लोग बड़े ठगे जा चुके, बिहार के लोग भी और देश के लोग भी। लोग 10 साल 11 साल अजीत जी अब कहा जाने लगा ना। देखिए, पहले लोग कहते थे कि चुनाव लड़ना एक कला है, आर्ट है, लेकिन अब कहा जाता है चुनाव लड़ना एक विज्ञान है। अब आपको बताना पड़ेगा, सूत्र वाक्य बताना पड़ेगा कि क्या चीज से क्या चीज को जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ घटाएंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। तो आप इमोशन से आप चुनाव नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते हैं। और ये तो पिछले 10 साल में हमको लगता है कि इस मामले में लोग और जागरूक हुए हैं। लोगों को जितनी देखिए, जितना बड़ा बड़ा वादा करता है नेता आकर के, लोगों की निराशा उतनी बड़ी होती है, और उसके बाद वो स्केप्टिकल हो जाता है, वो बहुत सशंकित हो जाता है नेताओं के वादों को लेकर के। जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है ना, उस तरह से लोगों को पता नहीं क्या क्या इंतजार था। लोगों को अच्छे दिनों, अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे लोग, डॉलर की कीमत 40 रुपए हो जाएगी ये इंतजार कर रहे थे। ऐसा रामदेव और रविशंकर जो वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं कह रहे थे 40 रुपए डीजल पेट्रोल लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हो गया कि 100 रुपए डीजल पेट्रोल हो गया, 84 रुपए का डॉलर हो गया। अच्छे दिन तो क्या ही आए लोगों के। तो लोग जितना बड़ा वादा करता है नेता, जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा वादा करता है, उतनी ही लोगों को निराशा होती है वादा पूरा नहीं होने पर। फिर लोग सबको अपनी कसौटी पर कसना शुरू कर देते हैं। तो अब कोई भी नेता जाकर के ये कह दे कि हम आपके लिए अच्छे, क्या हम बहुत अच्छे दिन ले आ देंगे, लोग यकीन नहीं करेंगे। आप कैसे ले आएंगे? आप ब्लूप्रिंट रखिए, आप रोड मैप रखिए, और बिहार की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपना रोड मैप बनाइए। आप कह दे जाकर के, अरविंद केजरीवाल ने जैसा कह दिया कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट था। दिल्ली में उस समय जब बजट पेश होता था तो सरप्लस बजट पेश होता था, मुनाफे का बजट पेश होता था। तब उन्होंने वादा कर दिया, लोगों को लगा कि ठीक है मुनाफे का बजट पेश होता है, यहाँ सरप्लस है, बहुत पैसा है। चैलेंजेस देखिए ना, मैं जिस साइंस की बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे हम बिहार बदल देंगे, पहले बिहार का विजन डॉक्यूमेंट लाइए। देखिए, जो अगला चुनौती लेने वाला प्रशांत किशोर है, वह कह रहा है 8,500 पंचायतों का, हर एक पंचायत का हम अलग अलग विजन डॉक्यूमेंट देंगे। तो क्या आपकी तैयारी है? आपके संगठन और आपकी पार्टी के भीतर के लोग 8,500 पंचायतों के दुख दर्द को जानते हैं? बिल्कुल। तो जब 8,500 पंचायतों का विजन डॉक्यूमेंट सामने आएगा, तो फिर उसके मुकाबले आप क्या बताएंगे, जनता यह भी देखेगी। हाँ, और अब एक तरफ जब दूसरा आदमी जो विजन पेश कर रहा है, वो उसने किसी एसी कमरे में बैठ करके वो विजन डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया है। जनता के बीच पैदल घूम करके पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव पैदल गए उन्होंने। लोग कहते हैं जैसे कि चावल का एक दाना देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि पूरे चावल सारे बने हैं कि नहीं बने। वो एक गाँव नहीं गए, दो गाँव नहीं गए, वहां से भी बिहार की समस्याओं का पता चल जाता, बिना गए भी पता चल जाता जी। लेकिन वो चले, गांव में गए, लोगों से मिले, लोगों के अपने फर्स्ट हैंड उन्होंने एक्सपीरियंस किया हालात का, और लोगों से फर्स्ट हैंड फीडबैक ली, उसके आधार पर वो विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की यह भी जो यात्रा हो रही है, वो एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ कर हो रही है, और वो एयर कंडीशन एक हॉल में बैठेंगे, अपने अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये भी ठीक है, नेता कार्यकर्ता वो हो सकता है जमीन पर गया हो और वो वास्तविक फीडबैक दे, लेकिन उसमें भी ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव और उनकी जो रणनीति की टीम है वो लोगों को कितना सुन रही है, लोगों की बात कितना सुन रही है। आप अपनी बात सुनाने गए हैं या लोगों की बात सुनने गए? जो लोग आए हैं, अगर आप समस्तीपुर में बैठे तो समस्तीपुर जिले में अगर मान लीजिए कि वहां 400 पंचायत है या 600 पंचायत है, उन 600-800 पंचायत के लोगों से आपने बात की या नहीं की? उनके सब हर पंचायत का प्रतिनिधि आया था कि नहीं आया था, और उसने वास्तविक समस्या आपने अपने अपने पंचायत की बताई या नहीं बनाई? ये सुनेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, पंचायत की समस्या समझेंगे, तब जाकर के आपको योजना बना पाएंगे। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है ज्ञानेश्वर जी, अभी जो तेजस्वी की बातों से लग रहा है वो ये है कि उनके पास एक मैक्रो विजन है, बड़ा विजन है। वो माइक्रो लेवल पर नहीं गए हैं, वो मैक्रो लेवल पर चीजों को देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम अपराध का मुद्दा बना देंगे तो नीतीश कुमार के खिलाफ अपराध का मुद्दा चल जाएगा। इस सरकार में अपराध, अभी काफी अपराध की खबरें आ रही हैं, और दूसरा रोजगार की बात कर देंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे।
ये मैक्रो तस्वीर है कि अपराध एक बड़ी चीज होती है, लोग उसके खिलाफ जाते हैं और रोजगार भी एक बड़ी चीज होती है। नहीं रोजगार में तो देखिए ना उसमें भी चुनौती आ गई ना अजीत जी कि देखिए हाँ। मतलब प्रशांत ने एक डाटा पेश किया कि चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में कुल सरकारी नौकरी 23 लाख है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 12 लाख दे देंगे, तो फिर कोई रिक्ति बचेगी ही नहीं बचेगी, या तो अधिक हो जाएगी। और जो आपने बात कहा कि बिहार के पास पैसे कहां से आएंगे, तो जब आप रोजगार को मुद्दा बनाएंगे तो फिर आगे आने वाले सरकार में यदि आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो आप रोजगार कैसे सृजित करेंगे, यह भी बड़ी चुनौती है। हाँ ये बड़ा सवाल होगा। हाँ लेकिन एक 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 दूसरी बात आप समझ, एक और समझ, मतलब ये समझने की बात है कि बिहार में बहुत दिन से, बिहार में ही नहीं देश में भी बहुत दिन से जमी हुई सत्ता तभी बदलती है जब आप कोई आंधी उठा दें, ये ऐसे नहीं बदलती है, आंधी उठा दें। और उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो लोगों की तकलीफों का होता है, बिल्कुल करप्शन का होता है, भ्रष्टाचार का होता है, या लोगों की तकलीफों का, अपराध का मुद्दा होता है, या लोगों की निजी तकलीफें जो होती हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं होती है, उनका होता है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बन नहीं सकता है, जो इस देश में सत्ता बदलने का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो करप्शन रहा है। करप्शन के मुद्दे पर सरकारें बदलती है, सबसे ज्यादा सरकारें करप्शन के मुद्दे पर बदली है। तो करप्शन के मुद्दे पर आपके पास नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं है, दूसरा मतलब एटलीस्ट आरजेडी के पास नहीं है। प्रशांत किशोर तो हो सकता है निकाले और कहे तो लोग उन पर यकीन भी करें, लेकिन आरजेडी के पास है नहीं और कहेगी आरजेडी तो लोग यकीन नहीं करेंगे। जो दूसरा बड़ा मुद्दा होता है वो संविधान बचाने का होता है। तो संविधान बचाना जो 77 में भी हुआ था, हम लोगों ने इस बार भी जो चेंजेस देखे, तो संविधान बचाने, संविधान के खतरे, संविधान पर खतरे की बात आप नीतीश कुमार को सामने रख के नहीं कर सकते। बीजेपी के लिए तो आप राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते थे, नीतीश कुमार को नहीं कह सकते हैं, और दूसरा स्टेट के चुनाव में नहीं कर सकते हैं क्योंकि संविधान बदलने का अधिकार स्टेट को नहीं है। बिल्कुल स्टेट कोर्ट के मामले में आप वो नहीं कर सकते हैं। तो बचा अपराध का मामला, तो अपराध का मुद्दा आप बनाएंगे, अपराध और आरक्षण, हाँ अपराध और आरक्षण का मामला ये आपके पास है कि आरक्षण का मामला हम लेके जाएंगे। तो उसमें भी कोई दूसरी पार्टी होती तो आप कह सकते थे, नीतीश कुमार खुद ही मंडल की राजनीति से निकले हैं, मंडल की राजनीति से आगे बढ़े हैं, उन्होंने आरक्षण बढ़ाया है, जाति गिनती कराई है, आरक्षण बढ़ाया हुआ है, तो उनके खिलाफ क्या मुद्दा लेके जाएंगे कि नवीं अनुसूची में नहीं डाला गया, ये एक मुद्दा है। लेकिन उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। आरक्षण के तो चैंपियन हो गए नीतीश कुमार भी और नरेंद्र मोदी भी, दोनों पिछड़ी जाति से, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, तो वो मुद्दा भी कितना चलेगा अभी हम लोग नहीं कह सकते। और एक चीज जो नया बिहार का है उसमें उनको वो जरूर कर सकते थे, लोगों को इमोशनली बिहार को प्राउड बनाने का, नया बिहार बनाने का, बिहार को बदलने का वो नारा चला सकते हैं, लेकिन उसमें उनके सामने प्रशांत किशोर की बड़ी चुनौती है जो उनसे ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से लोगों को नया बिहार बनाने का भरोसा दिला रहे हैं। देखिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर के तो चिराग पासवान भी घूम ही रहे हैं, वो भी नया बिहार ही बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये बातें हैं। अब उन बातों से कि ये जो यात्रा करने निकले हैं तेजस्वी यादव, इस यात्रा से क्या सबक लेकर के निकलते हैं, लौटते हैं, उससे अपनी पार्टी को कितना बदलते हैं, क्या विजन डॉक्यूमेंट ले आते हैं, क्या रोडमैप पेश करते हैं, और उसके बरक्स प्रशांत किशोर का रोडमैप जो आता है वो कैसा होता है, उसके साथ लोग तुलना करेंगे। और ये बात आप अभी अभी एकदम मान के चलिए कि नीतीश कुमार से लोगों की कोई निराशा है, कहीं नाराजगी भी है, लेकिन एंगर नहीं है, एंगर नहीं है, कोई ऐसा गुस्सा नहीं है, कहीं कोई उग्र हो करके और सत्ता पलट ही देना है, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है, इस तरह का माहौल, होपलेस, होप और होपलेस के बीच में, बिल्कुल बिल्कुल वो स्थिति है। और वो हमेशा है कि उनका विकल्प कौन है, तो वो देखने की बात होगी कि उनका विकल्प कौन बनता है, कौन उनसे बेटर रोड मैप पेश करता है, किसका विजन बेहतर होता है, और नीतीश कुमार अपने किस स्थिति में रहते हैं, किस शारीरिक मानसिक स्थिति में रहते हैं, और चुनाव कब होता है। अभी बहुत अभी तो ये बहस चलेगी कि नया बिहार बनाएंगे और अब वो नीतीश कुमार पर लगातार अटैक करेंगे, तो बिल्कुल मुद्दा ले आकर के अटैक करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखना है कि किस मुद्दे पर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। चलिए तो देखिए यह देखना होगा। और तेजस्वी यादव ने नई रणनीति बनाई है कि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर हिट करो ताकि दिखे कि हम मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि दो दो प्रतिद्वंदी अब बाजार में है, बिहार के चुनावी बाजार में, और प्रशांत किशोर की चुनौती भी है, और दोनों ही इस उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ निराशा बढ़ रही है, नीतीश कुमार के प्रति निराशा बढ़ रही है। तो आगे क्या, यह भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।